हेलो फ्रेंड, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अधिक मास का और श्रावण मास का बहुत ही पावन सा महीना चल रहा है, और ये बात भी हम सभी जानते हैं इस वाले माह में जितने भी उपाय हम करते हैं भगवान भोलेनाथ तुरंत हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। पूज्य पंडित जी ने अभी अभी हाल ही में हुई मैनपुरी की कथा में एकादशी का बहुत ही प्यारा सा उपाय बताया है। हम सभी जानते हैं 29 जुलाई को शनिवार के दिन पद्मिनी एकादशी है। उस दिन आपको बहुत ही सरल और सटीक उपाय करना है। उपाय के फायदे ये हैं कि यदि आपकी कोई सी भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही हो, चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, शादी से रिलेटेड हो, घर धन धान्य लक्ष्मी, या तो फिर आप एग्ज़ाम दे दे के परेशान हो गए हो लेकिन आपकी एग्ज़ाम निकल नहीं रही है, कितनी भी बड़ी आपकी परेशानी हो, ये वाला उपाय करने के बाद आपकी सारी परेशानियां खत्म होगी। उपाय बिल्कुल सरल है। करना आपको ये है, सबसे पहले आपको लेने हैं शमी पत्र। शमी पत्र लेने हैं आपको, 11 ले सकते हैं, 21 ले सकते हैं या 51 ले सकते हैं, ठीक है। जो शमी पत्र होगा वो कटे फटे नहीं होने चाहिए, पूरी की पूरी डंडी और पंखुड़ी सहित होना चाहिए, ठीक है। अब करना क्या है आपको, थोड़ा सा लेना है शहद, एक कटोरी में भी ले सकते हैं, शीशी लेकर भी आप चले जाइए भगवान शिव जी के मंदिर में। 11 आपने ले लिए हैं शमी पत्र और ले लिए हैं आपने शहद, ठीक। शुद्ध शहद लेना है आपको, जो शहद हनी जो चढ़ती है भगवान शंकर को वो। अब पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। करना क्या है, सबसे पहले आपका जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा। उसके बाद में सबसे पहले आप भगवान शिव जी को एक लोटा जल समर्पित करेंगे। उसके बाद में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आप वहाँ का जल आचमन करके पी लेंगे। अब जो आप शहद लेकर गए हैं, उस शहद को एक एक जो शमी पत्र है उसमें करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर लगा लेंगे और भगवान का उससे श्रृंगार करेंगे। समझ में आ रहा ना आपको श्रृंगार कैसे करना है? जैसे कि आपने शमी पत्र को शहद में भिगोया और ऐसा का ऐसा ही लगाना है, 5 लगा दिए, उसके बाद 4 लगा दिए, उसके बाद 2 लगा दिए, ऐसे किसी भी अपने मन की तरीके से उनका ऐसा श्रृंगार करना है जो अच्छा लगे, और साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए अपनी मनोकामना बोल देनी है। बस इतना आसान उपाय करके मनोकामना बोल के घर आ जाना है। बहुत ही कम समय में आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। ये उपाय आप ज़रूर करके देखिए अधिक मास में। थैंक यू फ्रेंड, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।